हाल भी वर्ष हुई थे, आप सब ठीक ठाक होंगे। और ये सुबह का टाइम मैं उठी हुई हूँ और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और मैंने सोचा आप लोग के साथ ये मंजरात भी ज़रा शेयर कर देती हूँ। मैं थोड़ी मसरूफ़ थी तो 3-4 दिन में नहीं आ सकी ब्लॉग पे, तो आज एक छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक पे मैं बनाऊँगी, ताकि हेल्थ की वजह से हेल्थ के लिए बनाऊंगी और साथ में स्किन केयर के लिए बनाऊंगी, बालों के लिए बनाऊंगी, कुछ इस तरह के टॉपिक्स बनाऊंगी मैं। तो देखिए पीछे का एरिया देखे सारा गीला गीला है और तेज़ बारिश हो रही है मुसलसल, और काफ़ी अच्छा खुशगवार मौसम है। तो मैं ज़रा जल्दी भी उठ गई, मैंने कहा चलिए ज़रा उठने के बाद नाश्ता कर लिया जाए, तो वो भी जब बारिश होती तो मैं जल्दी ज़रा इससे भी मैं जल्दी उठ जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बारिश का मौसम। और काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, और क्योंकि आपको पीछे बैक से आपको पता चल रहा होगा कि कितना गीला हुआ है हर जगह, और उसके साथ तेज़ हवाएं भी चल रही है, तो मूसलाधार बारिश है। ये देखिए सारे घर, ये जो घर है ये भी गीला हो चुका है, इतना तेज़ बारिश है। रात से स्टार्ट था और सुबह सवेरे का टाइम है, ये 8 बज रहे हैं ये। तो आप लोगों को मैं अपना बाहर का एरिया भी दिखाऊंगी, गेट से बाहर जो सामने दुकानें हैं वो भी दिखाऊंगी। आज अक्सर मैं कहती हूँ ना कि हमारे घर के पास दुकान है तो हमें रोटियां जो है गरम गरम मिल जाती है, इस तरह होता है, इस तरह नज़दीक है जिस तरह किचन। तो आज मैं आपको बाहर का एरिया भी दिखा रही हूँ। देखिए कितना प्यारा मौसम है, अनार का दरख्त है और वो आम का दरख्त है, लेकिन ये हमारे घर के पास किसी और का घर है, पड़ोसी है हमारे। तो ये देखिए तेज़ तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन बेचारे गरीब हवा क्या करेंगे जिनका घर कच्चा सा होता है। और ये चरण परिध में बेचारे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये जो परिंदे होते एक दूसरे को बोलते हैं। ये देखिए बाहर का एरिया मैं दिखा रही हूँ, दुकान सारी दुकानें बंद है, सिर्फ एक दुकान खुला हुआ, वरना ये 8 बजे खुल ही जाता है दुकानें सारे, बारिश की वजह से कोई आया ही नहीं है। तो इस तरह नज़दीक है हमारी दुकान, मेरे हमारे घर के पास ही है। और घी बारिश देखे के रुक रही नहीं है, काफ़ी तेज़ तेज़ बारिश हो रही है। ये देखिए ये अभी जाके दुकान, ये दूसरा दुकान भी खुल गया है, और ये तो पहले से खुल गया था 7 बजे से। काफ़ी तेज़ मूसलाधार बारिश है देखिए, और सर्दी इतनी हो गई कि आप कहोगे अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, तो अक्टूबर में सर्दियाँ काफ़ी, सर्दी की आमद होती है ना, तो काफ़ी तेज़ सर्दी हो गई। तो आज मैंने ब्लैंकेट ओढ़ा है इस अप्रैल के मौसम में भी, क्योंकि पेशावर या इस्लामाबाद लाहौर एरिया जो होता है यहाँ का अप्रैल भी ठंडा होता है और मई भी, जून की 15 तारीख से यहाँ पे गर्मी स्टार्ट हो जाती है, गर्म हवाएँ स्टार्ट हो जाती है जून की 15 तारीख से। तो ये रहा, फिर मैं वापस आ गई। ये देखिए दरा छोटे छोटे पौधे जो है वो भी गीले हो चुके हैं, और काफ़ी नेचुरल ब्यूटी दिख रही है इनमें, क्योंकि इसके ऊपर धूल आ जाता है, पोल्यूशन। छोटे छोटे पौधों पे तो फिर भी मैं पानी फेंक देती हूँ, लेकिन ये जो बड़े बड़े दरख्त इस पर पानी नहीं फेंका जा सकता है ऊपर तक, तो ये बेचारे मिट्टी से भरे हुए होते हैं, फिर बारिश की वजह से सारा
मिट्टी धूल पोल्यूशन हट गया, देखे चमक चमक सा उठ गया। दरख्तों में भी हर कलर के होते हैं, अब ये हरे कलर है ना, तो हरा कलर में काफ़ी कलर से, अब ये हरा दूसरा है, वो दूसरा है, ये दूसरा, काफ़ी कलर से। देखिए हवा के साथ बारिश है, वो उस टाइप की हवा नहीं है, हल्की सी हवा है। आई हो अल्लाह हाफिज़।